बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला हाशमी और आपको इस चैनल की एक और वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जिसका इंतज़ार था वो आ गया। कुरलश उस्मान सीज़न 3 का पहला टीज़र ऑन एयर हो चुका है। आखिरकार डायरेक्टर महमद बुज़दाग को ख्याल आ ही गया कि मैंने ड्रामा सीरियल कुरलश उस्मान बनाना है। तमाम बातें एक तरफ, जब इस ड्रामा सीरियल की बातें हो रही थी कि यह कब आएगा, तब तो सब लोगों को इंतज़ार था। लेकिन जब इस ड्रामा सीरियल का पहला टीजर रिलीज हुआ तो उसने धूम मचा कर रख दी। उस्मान गाजी का पानी में छलांग लगाना और तैर कर जाकर दुश्मन का गला दबोच लेना, इस सीन ने कमाल कर दिया। इस ट्रेलर में आपने आया निकोला की आवाज भी सुनी और बहुत से नए चेहरे भी देखे जो आने वाले वक्त में इस ड्रामा सीरियल को एक अच्छी बुलंदी पर ले जाएंगे। जैसे जैसे ड्रामा सीरियल आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें दिलचस्पी लोगों की बढ़ती चली जा रही है। यकीनन आने वाले वक्त में बड़े किरदारों की एंट्री होने वाली है और इस ड्रामा सीरियल को 4 चांद लग जाएंगे। इस टीजर की सबसे बड़ी बात यह है कि इस टीजर में तुरगुत बे का जिक्र किया गया। एक सिपाही दौड़ते हुए अपने घोड़े के ऊपर बोलता है कि तुरगुत बे, इसका मतलब यह है कि तुरगुत बे की भी एंट्री होने वाली है। हम यकीनन तुरगुत अल का किरदार अदा करने वाले अदाकार चंगेज जोशुन की जगह किसी और को नहीं देख सकते, लेकिन हमें तुरगुत अल की इंतहाई जरूरत थी ताकि कुरलश उस्मान में बामसी बे की जगह पूरी की जा सके। हमें उम्मीद है कि जो भी अदाकार इनका किरदार अदा करेगा यकीनन उसमें जान डाल देगा, क्योंकि ये अर्तुगरुल गाजी के पहले सिपाहियों में से और आखिरी सिपाहियों में से थे। इस टीजर में यह भी दिखाया गया कि उस्मान के खिलाफ बाज़ंतीनी किस तरह लड़ाई करते हैं। वो सब कहते हैं कि उस्मान गाजी को हराना मुश्किल है, इसलिए हम सबको उसको हराने के लिए इकट्ठे होना पड़ेगा। उस्मान गाजी ने जिस तरह अपने दुश्मनों को दबोचा, ये सबसे मजे की चीज थी। पानी के अंदर उनका सर कलम करना और उनको उनके गले से दबोच लेना सबसे मजे का सीन था। ड्रामा सीरियल कुरलश उस्मान के शायकीन को तुरगुत अल्प का बेसब्री से इंतजार था। अब देखते हैं कि महमद बुज़दाग ने किस अदाकार को तुरगुत बे की जगह पर कास्ट किया है और वो अपनी अदाकारी पर पूरे उतर सकेंगे या नहीं। आज की छोटी सी वीडियो बस यही थी। अपने मेज़बान मोहम्मद अब्दुल्ला हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।